अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे उम्मीद है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो है धान की कटाई हो रही है, मुंजी की, जो हम मुंजी जिसे बोलते हैं उसकी कटाई हो रही है, तो उसके कुछ हम सीन आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ जो पहले नंबर पे सबसे पहले पहले जो कटाई हो रही है वो हम आपको दिखाते हैं आज। तो हमारे साथ रहिएगा, और चैनल पे जो नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे उसे लाइक करिएगा। तो देर के बगैर शुरू करते हैं वीडियो। जी, ये तो मशीन का थोड़ा सा मसला बन गया था, जिस वजह से वो भाई ने ये उसमें से निकाला है ये पुर्जा, तो उसे ठीक करके रिपेयर करके दोबारा वापस लगाएंगे और दोबारा उसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा पीछे आइए, चल आओगे पिछों दातरी ना जाए पास अगे किधर और दूजे अगे इधर चल आ जी। तो अब जाना वो जो ख़राबी थी वो दूर हो गई है, अभी करने लगे हैं शुरू। आपको पता है कि आपने मेरी एक दो वीडियो में पहले देखा था कि अंधेरी की वजह से, आंधी की वजह से जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो उसमें एक ये भी था, ये ऐसे गिर गई है कि बिल्कुल ज़मीन पे लेट गई है, तो फिर भी काफ़ी हद तक इसकी अच्छी जो है कटाई कर रही है मशीन।
आप साइड चेक कर रहे होंगे कि साइडों पे काफ़ी ख़राब हो गई है, जो इस मशीन में नहीं आ सकती, और कुछ इन दरख्तों की वजह से अभी रेडी नहीं, तैयार नहीं हुई फसल। ये अगर वैसे काटते तो काटने में बड़ी दुश्वारी होनी थी, क्योंकि लेटी हुई थी और ये बहुत मुश्किल थी काटना। धूल काफी ज्यादा है, वो एक भाई लगे हैं जो किनारा है एकड़ का, जिसे बन्ने बोलते हैं, बन्ने उनके साथ जो थी वहां तक मशीन की पहुंच नहीं होती, तो वो उधर से कटाई कर करके उसके दरमियान फेंक रहे हैं कि वो भी मशीन में आए, वो अपने दाने निकाल दें और जो उसका होसा वगैरह, जैसे हम पराली बोलते हैं यहाँ पंजाबी, वो एक साइड पर निकल जाए कचरा जो है। ऐसे सामने से देखने बड़ा डर लगता है कि बंदा इसमें आ जाए तो ये चूम्बर निकाल दे बंदे का। काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि ऐसे करते कटाई करते करते जानवर आ जाते हैं उसमें, ये परिंदे वगैरह, तो पूरी तरह आने से तो काफ़ी हद तक जो है वो काम में जल्दी आ गई है, तेज़ी आ गई है, नहीं तो तकरीबन दो मंथ तक जो है ये इनके पेड़ जिसे कहते हैं, जो जगह बनाते हैं जहाँ पे हम चावल निकाल के और पराली जो है वो जानवरों का चारा जो है उसे यूज़ करते थे, तो एक दो मंथ तक जो है ना वो रहता था, लेकिन अब ये है कि एक वीक 10-15 दिन तक सारा काम समेट के ख़त्म करके नेक्स्ट फसल जो है उसकी तैयारी करना शुरू हो जाते हैं। तो अभी इसके बाद एक तो एडवांस मशीन भी आई है, जिसमें ये जो भूसा बिल्कुल ख़राब हो रहा है इसे हम जो है ना वो सिर्फ दाने उतार लेता है, बाकी सारी जो पराली जिसे कहते हैं आप, मुझे वो तुम्हें उसका नहीं समझ में आ रहा क्या वर्डिंग है उसकी, वो भैंसों के चारे के लिए हम उनके बंद बांध के रख लेते थे। एक ही दफ़ा ये तकरीबन हाफ एकड़ का जो है वो हाफ एकड़ से ज़्यादा ही अपने अंदर इसका इतना कैपेसिटी है कि इसके अंदर का सामान होता है, इसलिए इसके दाने लगभग इकट्ठे ही एक जगह जहाँ पे गिराते हैं वहाँ गिराते हैं। परिंदे कैसे देखें कितने ज़्यादा हैं, और ये
साइड पर जाकर उम्मीद खड़े हैं जिनकी फसल और कटाई करा रहे हैं। बड़े गले दरख्तों की ठंडी छाव है आस पास। इतने में पानी पी रहे हैं तो ये हो गई खत्म।